और इसी के साथ नांगल चौधरी विधायक अभय सिंह यादव के साथ भी हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने खास बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव। विकसित भारत जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया, किस तरह से जोश जो है जनता में देखने को? देखिए, आप सुबह से देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में लोग आए हैं और 10 से लेकर लगभग चार बजने को है। 6 घंटे धूप में बैठे रहना, ये उन लोगों का प्यार दर्शाता है, कितना लोग प्यार करते हैं अपने क्षेत्र में काम को, विकास को। मुख्य अतिथि के तौर पर विप्लव देव यहाँ पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पहुंचे, कहीं ना कहीं एक ज्यादा जोश जो है, हजारों की जो भीड़ थी यहाँ पर, उनमें एक बार फिर जब वो मंच पर बोलने लगे तो देखने को मिले? जी नहीं, जोश लोगों में है और हमारे जो प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे एक अनुरोध पे उन्होंने यहाँ आना स्वीकार कर लिया। 3 राज्यों में भाजपा ने जिस तरीके से जीत हासिल की है, क्या मानते हैं कितना असर हरियाणा पर देखने को? ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए, सभी स्टेट्स में भाजपा जीतेगी। और लगातार भारत संकल्प यात्रा जो देश भर में चल रही है, हरियाणा में भी जो है चल रही है, तो कितना असर उससे भी पड़ेगा? देखिए, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का विकसित भारत का एक संकल्प है। आप मीडिया के लोग हो, आपको पता है कि वो बार बार कहते हैं कि देश को विकसित बनाएंगे, और विकसित भारत के संकल्प के लिए एक राष्ट्रीय चेतना की जरूरत है। हर पूरे देश में ये यात्रा चल रही है, एक उस संकल्प के प्रति राष्ट्र की, सारे राष्ट्र की प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए और ये यात्रा चल रही है। और मैं बिल्कुल इस बात पे आश्वस्त हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोच लिया, वो करके दिखाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से 3 राज्यों में जीत हासिल की, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो मुद्दे हैं वो अलग थे, लेकिन हरियाणा में जब चुनाव होंगे तो यहाँ मुद्दे अलग। देखिए, माननीय मोदी जी सारे राष्ट्र के नेता हैं, हर प्रदेश में मोदी जी की का नाम है और पहचान है। उन्होंने देश को एक नई दिशा दी है, उन्होंने देश को एक नेतृत्व दिया है और इतनी मजबूती से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें विपक्ष चाहे कुछ भी कहता रहे, किसी के पास कुछ नहीं। आगामी 2024 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को किस तरह देखें? देखिए, चुनाव अपने समय पे जैसे होंगे। क्या मानते हैं, 7 होंगे चुनाव? नहीं, मैं इस बारे में नहीं कह सकता, ये केंद्रीय नेतृत्व तो फैसला करते हैं। मैं तो एक छोटा सा एमएलए हूँ एक हल्के का, मैं ये बातें कह सकता हूँ। 2024 में विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को, और जो लगातार जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो 3 राज्यों में मुद्दे अलग थे, यहाँ पे मुद्दे अलग होंगे, एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया था कि जो कांग्रेस हरियाणा से सटे जो राजस्थान में सीटें जो कांग्रेस ने जीती हैं, उसमें से 34 में से 29 सीटें कांग्रेस ने जीती। सपने लेने का सबको हक है, सपने कोई लेता रहे। देखिए, ये थे मेरे साथ नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि एक बार फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। महेंद्रगढ़ से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना, जनता।